हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एनटीपीसी और हेलो दोस्तों, तो इस चैनल पर एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी एसएससी जीडी एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इसमें। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो इसके आंसर हो जाएगा कवारती। कहाँ हो जाएगा? कवारती। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। क्या हो जाएगा इसका? ब्रुसेल्स हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनीला। क्या हो जाएगा? मनीला। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आगे क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कितना वाल्व होते हैं। तो मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, चार वाल्व होते हैं। कितना? चार। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, तो मानव शरीर में आपको 206 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ है। पल्लवों की राजधानी कहाँ है, तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। कहाँ थी? कांचीपुरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये आपको कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना कब हुआ था। गुप्त संवत का स्थापना किसने किया था, तो गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जो है जल में घुल जाता है, तो कौन? विटामिन बी होगा। क्या होगा? बी। बी और सी दोनों क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। और पूछेगा कि वसा में क्या होगा, वसा में कौन सा विटामिन घुलता है, तो ए डी ई और के, ये चारों विटामिन ए डी ई के ये वसा में घुलता है। और पानी में कहेगा घुलने के लिए, तो बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत। लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो पालक का पत्ता, यानी कि पालक का जो सब्जी होता है यानी कि साग होता है, पालक का पत्ता हो जाएगा। यानी पालक का जो सब्जी होता है उसी के पत्ता में क्या होता है, आयरन मिलता है। क्या मिलता है? आयरन, यानी कि लौह मिलता है, यानी लोहा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नींबू के रस के पीएच मान कितना होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4। तो देखेंगे यहाँ पर कि अगर 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और 7 से कम रहेगा तो क्या होगा, अम्ल होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा? क्षार। 7 से इधर जाएगा यानी कि अधिक होगा तो क्षार हो जाएगा, और 7 से कम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, यानी कि अम्ल होगा। यानी कि देखिए नींबू का जो पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है यहाँ पर, इसलिए नींबू क्या है, यह अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देवताल झील किस राज्य में है। तो देवताल जो है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि जितना भी ताल रहेगा, कोई भी झील आपको पूछेगा कि कोई भी झील आपको पूछेगा उसमें लास्ट में ताल रहेगा, तो 100% वह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रहता है। तो जिसके इसमें ट्रिक है कि जिस झील के लास्ट में ताल जुटा रहेगा, तो वह समझ लीजिए कि वह उत्तराखंड में है। यह ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। एनोफिलीज मच्छर जो होता है को काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। एनोफिलीज जब मच्छर को काट लेगा तो क्या हो जाएगा, मलेरिया रोग हो जाएगा, मलेरिया रोग। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। क्या चीज़ से है? दूध उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चिल्का झील किस राज्य में है। तो चिल्का झील आपको उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। चिल्का झील किस राज्य में है, यह उड़ीसा राज्य में है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती है। भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किस में निहित होती है,
तो भारत का अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में नियुक्त होती है, किसमें? संसद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। कहाँ थी? चंपा में। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो हाफ मैन कप का संबंध टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। अगला क्वेश्चन, लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्ष पर होती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे इसका स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। किसने? लॉर्ड मेयो ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल। अकबरनामा यानी मुगल सम्राट अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मत्स्य उत्पादन की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य और महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर।